तो अब तक हमने देखा था कि हम एप्लीकेशन गेटवे को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैंने एक एप्लीकेशन गेटवे ऑलरेडी यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था और इसका प्रोसेस देखा था कि कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप हम एप्लीकेशन गेटवे को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और इसके क्या क्या कॉम्पोनेंट हैं और कैसे उनको हम रियल टाइम में इंटरप्रेट करते हैं। तो ये मेरा एप्लीकेशन गेटवे है, ठीक है, और ये इसका पब्लिक आईपी एड्रेस है। तो अगर मैं ये पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ से कॉपी करके अपने वेब ब्राउजर पे जाके पेस्ट करता हूँ तो मेरी वेबसाइट यहाँ पे ओपन होती है। लेकिन जब हम रियल टाइम में देखते हैं तो हम आईपी एड्रेस को हिट नहीं करते बल्कि हम वेबसाइट के नाम को यहाँ पे हिट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इस पब्लिक आईपी एड्रेस को एक डोमेन के साथ बाइंड करूंगा। मेरे डोमेन का नाम है learninghubtech.com। इस डोमेन को मैंने परचेज किया है गोडैडी से। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक डीएनएस जोन क्रिएट करना पड़ेगा। डीएनएस जोन आप अपने अजूर पोर्टल के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए डीएनएस जोन पे, तो आप क्लिक कर लीजिए ऐड पे। रिसोर्स ग्रुप का नाम है यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ माई आरजी, एंड यहाँ पे मैं अपने डोमेन को मेंशन करता हूँ लर्निंग tech.com। तो इसने जो लोकेशन यहाँ पे पिकअप किया है वो है सेंट्रल यूएस, जो कि मेरे रिसोर्स ग्रुप की भी लोकेशन है। रिव्यू एंड क्रिएट। तो मेरा डीएनएस जोन यहाँ पे बनके तैयार हो गया है। क्लिक ऑन गो टू रिसोर्सेस और ये मेरा डीएनएस जोन है जिसका नाम है learninghubtech.com। अब एप्लीकेशन गेटवे के पब्लिक आईपी को इस पर्टिकुलर डोमेन के साथ ऐड करने के लिए मुझे एक रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा और उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा रिकॉर्ड सेट। बट इस प्रोसेस को करने से पहले मुझे अपने डीएनएस जोन को जाके मेरे रजिस्ट्रार, जो कि मेरे केस में है godaddy.com, के साथ यहाँ पे रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो नेम सर्वर कहाँ पे दिखते हैं आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, ये यहाँ पे मेरे नेम सर्वर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो पहले मैं अपनी GoDaddy की वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। आप अपने अकाउंट से इस पर सबसे पहले लॉगिन कर लीजिए। मैं यहाँ पे ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ। तो एक बार जब आप लॉगिन हो जाते हैं इस वेबसाइट पे तो आप अपने अकाउंट पे जाके यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज डोमेन। तो यहाँ पर ये आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन दिखा रहा है माई डोमेन, तो मैंने ये खरीदा हुआ है learninghubtech.com। अब मुझे इसमें अपने नेम सर्वर को जाके ऐड करना है, तो उसके लिए मैं मैनेज जोन पे चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ learninghubtech.com। जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो एक ऑप्शन आता है नेम सर्वर, आप चेंज पे क्लिक कीजिए। ओके, और ये जो नेम सर्वर यहाँ पे है आप इसे कॉपी करके यहाँ पे ले जाके इसको पेस्ट कर दीजिए और ये डॉट को यहाँ पे रिमूव कर लीजिएगा। और उसके अलावा दूसरा नेम सर्वर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। देन क्लिक ऑन सेव। आप चाहें तो चारों के चार नेम सर्वर ले जाके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने दो किया है और दो से भी मेरा यहाँ पे काम चल जाएगा। तो मैंने अपने नेम सर्वर को अपने रजिस्ट्रार के साथ यहाँ पे अपडेट करा लिया है। अब मैं यहाँ पे आके एक रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ www.learninghubtech.com और यहाँ पे जो आईपी मुझे मेंशन करना है वो आईपी है मेरे एप्लीकेशन गेटवे का। तो ये है मेरे एप्लीकेशन गेटवे का आईपी, इसको ले जाके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, देन क्लिक ऑन ओके। तो इस प्रोसेस के थ्रू मैंने अपने एप्लीकेशन गेटवे के पब्लिक आईपी को अपने डोमेन के साथ यहाँ पे बाइंड करा लिया है। अब मैं अगर अपनी वेबसाइट का नाम जाके वेब ब्राउजर पर ओपन करूँ तो बैकएंड पे जो वेबसाइट ओपन होगी वो वही वेबसाइट है जो मैंने अपने एप्लीकेशन गेटवे के साथ जाके इंटीग्रेट की हुई है, करेक्ट। ये रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट हो गया है। अब मैं चलता हूँ ब्राउजर पे, क्योंकि ये HTTP है तो मैं HTTP ट्राई करूंगा, क्योंकि जो लास्ट प्रैक्टिकल किया था हमने पूरा HTTP के साथ किया था,
यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ www.learninghubtech.com। आप हिट कीजिए और आपकी वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो रही है। तो अब हम बात करते हैं हेल्थ प्रोब की, कि हेल्थ प्रोब क्या होता है और उसे हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हेल्थ प्रोब को समझने के लिए मैं आपको अपने एमएस पेंट पे लेके चलता हूँ। आपका एक एप्लीकेशन गेटवे है और आपकी दो वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन VM1 और वर्चुअल मशीन VM2। ये दोनों ही वर्चुअल मशीनें पूल पे हैं, जो पूल जाके कनेक्ट है मेरे एप्लीकेशन गेटवे से। इस एप्लीकेशन गेटवे पे बहुत सारे यूजर सेशन आ रहे हैं और वो यूजर सेशन को इसने वर्चुअल मशीन VM1 और वर्चुअल मशीन VM2 पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इन केस किसी भी रीजन से वर्चुअल मशीन VM1 यहाँ पर डाउन हो जाती है तो एप्लीकेशन गेटवे को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता है। तो एप्लीकेशन गेटवे अभी भी यही समझेगा कि वर्चुअल मशीन VM1 और वर्चुअल मशीन VM2 दोनों ही अप हैं, तो जो भी नए सेशन आ रहे हैं तो वो अभी भी वर्चुअल मशीन 1 और वर्चुअल मशीन 2 पे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जबकि हमारी VM1 यहाँ पे डाउन हो चुकी है। तो जो लोग VM1 के साथ कनेक्ट हैं तो उनके लिए वेबसाइट डेफिनेटली नहीं खुलेगी और ये एक डिस्ट्रप्शन है कस्टमर एंड पे, उनके लिए एक डाउन टाइम है। तो एक ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं उसका सोल्यूशन है हेल्थ प्रोब। हेल्थ प्रोब आपके एप्लीकेशन गेटवे को ये बताता है कि कौन सी वर्चुअल मशीन आपकी अप है और कौन सी वर्चुअल मशीन डाउन हो गई है। तो जो भी वर्चुअल मशीन डाउन होती है उसको आइसोलेट कर देते हैं। तो एप्लीकेशन गेटवे आपकी हेल्दी वर्चुअल मशीन को ही यूजर सेशन भेजेगा, जैसे इस केस में वो वर्चुअल मशीन 2 है। तो इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं उसके लिए चलते हैं Azure के पोर्टल पे। यह है मेरा एप्लीकेशन गेटवे। सेटिंग्स पे जब आप नीचे आते हैं तो आपको ऑप्शन मिलता है हेल्थ प्रोब का। आप यहाँ पे जाइए और क्लिक ऑन एड। हेल्थ प्रोब को एक नाम दे लेते हैं सबसे पहले। मैं बोलता हूँ ये एप्लीकेशन गेटवे हेल्थ प्रोब, ये मेरा नाम है हेल्थ प्रोब का। प्रोटोकॉल में चूज कर लेता हूँ HTTP, क्योंकि जो भी मेरी वेबसाइट है मैंने उसके साथ SSL यहाँ पे बाइंड नहीं किया है तो वो पोर्ट HTTP को ही यूज कर रहा है। होस्ट जो है वो आपकी वर्चुअल मशीन का नाम नहीं बल्कि आपकी वर्चुअल मशीन पे जो एप्लीकेशन होस्टेड है उसका वो नाम है। अगर होस्ट को आप देखना चाहते हैं, ये मेरा वर्चुअल मशीन है जहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट को होस्ट किया हुआ है, तो बेसिकली साइट बाइंडिंग में जब आप आते हैं क्लिक ऑन एडिट तो ये आपको शो करेगा होस्ट नेम। तो मेरे केस में ये जो होस्ट नेम है वो होस्ट नेम है learninghubtech.com। ओके, पिक होस्ट नेम फ्रॉम बैकएंड HTTP सेटिंग। अगर HTTP सेटिंग के थ्रू अगर इस होस्ट नेम को आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट करना था तो आप इसको यस क्लिक कर सकते थे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे मैन्युअली दे रहा हूँ तो यहाँ पे नो मुझे सिलेक्ट करना है और साथ में होस्ट का यहाँ पे नाम भी मुझे देना है, तो ये मैंने मैन्युअली यहाँ पे एंटर कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे दो ऑप्शन है, पिक पोर्ट फ्रॉम बैकएंड HTTP सेटिंग। अगर आपको HTTP सेटिंग के थ्रू पोर्ट को पिक करना है यस ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा, नो पे आपको यहाँ पे मैन्युअली मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, आप किस चीज को टेस्ट करना चाहते हैं हेल्थ प्रोब के थ्रू, तो यहाँ पे आप पाथ मेंशन कर सकते हैं स्पेसिफिकली अपनी किसी वेबसाइट के पेज का। मैं जब ये ऑप्शन स्लैश यहाँ पे यूज करता हूँ इसका मतलब मैं पूरी की पूरी वेबसाइट सारे पाथ को यहाँ पे चेक करवाना चाहता हूँ। इंटरवल का मतलब है कितनी टाइम पे ये हेल्थ प्रोब चेक करेगा मेरे वर्चुअल मशीन के हेल्थ स्टेटस को। तो मैंने बोला 30 सेकेंड, टाइम आउट सेकंड मीन्स 30 सेकंड जो यहाँ पे मेंशन किया। अगर मैं इसे 15 सेकंड यहाँ पे कर लेता हूँ तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर 15 सेकंड तक कोई रिस्पांस नहीं आता है तो मैं उसे अनहेल्दी कंसीडर करूंगा, तो वो प्रोब मेरी अनहेल्दी हो जाएगी। राइट, तो अनहेल्दी थ्रेशोल्ड यहाँ पे मैंने दिया हुआ है 3। 3 का मतलब है कि अगर 3 बार 15 सेकंड के अंदर रिस्पांस नहीं आता है तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन अनहेल्दी कंसीडर होती है और उसे नेटवर्क से आइसोलेट कर देते हैं। एक चीज हमें ध्यान रखनी है, जो टाइम आउट है यहाँ पे, ये टाइम आउट का जो टाइमिंग हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं ये इंटरवल के टाइमिंग से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है यूज प्रोब मैचिंग कंडीशन। तो जब भी हम प्रोबिंग करते हैं तो एक HTTP रिक्वेस्ट जाती है जिसके रिस्पॉन्स में एक HTTP रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, उसी रिस्पॉन्स के बेस में हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन हेल्दी है या अनहेल्दी है। करेक्ट, तो
जब वो रिस्पॉन्स आता है तो हम किस क्राइटेरिया पे उसे हेल्दी कंसीडर करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो क्राइटेरिया होता है, अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करें जो रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, अगर रिस्पॉन्स के स्टेटस में एक कोड होगा जो कि है 200-399, अगर ये कोड हमारे रिस्पॉन्स में है तो इसका मतलब हम उसे हेल्दी कंसीडर करते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग है। जब हम नो करते हैं तो केवल यही कंडीशन चेक हो रही है, लेकिन जब आप उसे यस करते हैं तो आप एडिशनल कंडीशन यहाँ पे मैच कर सकते हैं। जैसे कि जो HTTP रिस्पॉन्स आ रहा है, जो उसका रिस्पॉन्स की जो बॉडी है, क्या आप उसमें किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को मैच कराना चाहते हैं? जैसे मैंने बोला उसमें हेल्दी स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है, ये वर्ड होना चाहिए। अगर ये वर्ड है तो इसका मतलब वो हेल्दी है। ओके, ये एक एग्जाम्पल है जस्ट। तो आप इस तरीके से कंडीशन यहाँ पे मैच कर सकते हैं। तो मैं जाता हूँ डिफॉल्ट के साथ नो पे। नेक्स्ट सेटिंग है हमारी HTTP सेटिंग। HTTP सेटिंग का मतलब है कि जो प्रोप मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, जो एट्रीब्यूट्स मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हैं, उस प्रोप को मैं किस HTTP सेटिंग के साथ यहाँ पे अटैच करना चाहता हूँ। जैसे आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल रहा है HTTP-setting। ये HTTP सेटिंग मैंने क्रिएट की थी जब मैं एप्लीकेशन गेटवे क्रिएट कर रहा था, ठीक है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जब मैं अपना एप्लीकेशन गेटवे क्रिएट कर रहा था इससे पिछली वाली वीडियो में, तो मैंने यहाँ पे एक HTTP सेटिंग डिफाइन की थी जिसमें मैंने HTTP प्रोटोकॉल और पोर्ट 80 को डिफाइन किया था कि इसके थ्रू जो हमारा लिसनर है और जो हमारा रूल है वो हमारे बैकएंड पूल को जाके कनेक्ट करेगा, यानी जो ट्रैफिक है वो बैकएंड पूल के साथ इन पर्टिकुलर प्रोटोकॉल और इस पर्टिकुलर पोर्ट के साथ जाके कम्युनिकेट करेगा। तो उसके लिए मैंने ये HTTP सेटिंग यहाँ पे क्रिएट की थी। तो सेम HTTP सेटिंग मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दी। तो इसका मतलब क्या है, ये HTTP सेटिंग जाके कनेक्टेड है मेरे पूल के साथ और उस पूल में है दो वर्चुअल मशीन। तो ये जो प्रोब है, ये प्रोब जाके टेस्ट करेगा सॉन्ग एंड वीडियो वर्चुअल मशीन को मेरे एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन गेटवे में। तो मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ टेस्ट। तो इस तरीके से हमने हेल्थ प्रोब को यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया अपने एप्लीकेशन गेटवे में, इंश्योर करने के लिए कि मेरी सारी वर्चुअल मशीन अप हो, और अगर कोई वर्चुअल मशीन डाउन रहती है तो एप्लीकेशन गेटवे उसके बारे में वेल अवेयर्ड हो। तो ये था एक छोटा सा वीडियो हमारे हेल्थ प्रोब और डोमेन बाइंडिंग के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम SSL टर्मिनेशन को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं, बेसिकली SSL बाइंडिंग होता क्या है और एप्लीकेशन गेटवे के केस में उसे हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।